तो राजस्थान के नवनिर्वाचित विधायकों ने आज विधायक पद की शपथ ली। कई विधायक तो बड़े ही अनोखे अंदाज में विधानसभा पहुंचे। कोई ट्रैक्टर चलाकर आया तो कोई बाइक से विधानसभा पहुंचा, किसी ने राजस्थानी में शपथ ली तो अनुमति मांगी, तो किसी ने संस्कृत में शपथ ली। देखिए विधायकों के इसी अनोखे अंदाज पर हमारी एक खास रिपोर्ट। ये तस्वीर नई विधानसभा की है, विधानसभा के पहले सत्र की है। विधानसभा में पहुंचे विधायकों का सबका अपना अलग अंदाज दिखाई दिया। जिसमें निर्दलीय विधायक ऋतु बनावत ट्रैक्टर से विधानसभा पहुंची, साथ ही सबकी अपनी पहचान भी दिखाई दी। कोई बाइक पर, वही हवा महल से बीजेपी विधायक गदा लेकर विधानसभा पहुंचे। वही प्रोटेम स्पीकर कालीचरण सर्राफ ने भी सभी नव निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण में पहुंचे विधायकों की आंखों में एक अलग ही चमक थी। सभी ने एक संदेश भी दिया। वही बीजेपी विधायक उदयलाल भडाना और डीडवाना से निर्दलीय विधायक यूनिस खान ने संस्कृत में शपथ ली है। अहम उदयलाल भडाना, ये विधानसभा सदस्य निर्वाचितो असीम ईश्वर सप्ते अहम विधि द्वारा स्थापित भारतस्य संविधान प्रति सत्य श्रद्धा निष्ठा च रक्षामि, अहम भारतस्य प्रभुताम अखंडता च अक्षुणा रक्षामि, यद पद च अह क्रियामि तस्य कर्तव्यानि श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करिष्यामि। मैं अहम यूनुस खान, यह विधानसभा सदस्य है निर्वाचितो अस्मि, ईश्वरम सप्तेयत अहम विधि द्वारा स्थापितम भारतस्य संविधानम प्रति सत्य श्रद्धाम निष्ठाच रक्षिष्यामि, अहम भारतस्य प्रभुताम अखंडताम च अक्षुणाम रक्षिष्यामि, यत पदम च अहम गृह्णामि तस्य कर्तव्यानां सदापूर्वकं निर्वहणं करिष्यामि। विधानसभा में लगभग सभी विधायकों ने हिंदी में शपथ ली। मिली जुली संस्कृति की विधानसभा में एक झलक भी दिखी। वहीं एक विधायक ने तो विधानसभा में कदम रखने से पहले दंडवत प्रणाम भी किया। लोकतंत्र के मंदिर के आगे नतमस्तक हुए। वही विधायक ने आम जन को संदेश देते हुए मास्क लगाकर विधानसभा में एंट्री भी ली। विधानसभा में सीएम भजनलाल शर्मा, दिया कुमारी, प्रेमचंद्र बैरवा ने भी विधायकी की शपथ ली है। भजनलाल शर्मा पहली बार विधानसभा पहुंचे। मैं भजनलाल शर्मा, जो विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करूंगा। जबकि दिया कुमारी और प्रेमचंद्र बैरवा ने दूसरी बार विधायक की शपथ ली। मैं दिया कुमारी, जो विधानसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूं, ईश्वर की शपथ लेती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। वहीं राजस्थान के दो पूर्व मुख्यमंत्रियों ने भी विधानसभा में विधायक की शपथ ली। इनमें बीजेपी से वसुंधरा राजे और कांग्रेस से अशोक गहलोत थे। मैं वसुंधरा राजे, जो विधानसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूं, ईश्वर की शपथ लेती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं अशोक गहलोत, जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। इसके अलावा सचिन पायलट ने भी विधायक की शपथ ली है। मैं सचिन पायलट, जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा।
दिग्गज नेता किरोड़ी लाल मीणा, हनुमान बेनीवाल और अनिता भदेल ने भी विधायक पद की शपथ ली। तीनों ही नेता बड़े ही अनोखे अंदाज में दिखे। किरोड़ी लाल मीणा और अनिता भदेल बीजेपी के बड़े नेता हैं, जबकि हनुमान बेनीवाल की अपनी अलग ही पार्टी है, जिसके वो एकमात्र विधायक विधानसभा में जीत कर पहुंचे हैं। विधानसभा का ये सत्र 21 दिसंबर को समाप्त हो जाएगा। सिर्फ दो दिन के इस सत्र में एक दिन विधायकों के शपथ ग्रहण के लिए था। वही इस सत्र पर कांग्रेस नेता शांति धारीवाल ने भी सवाल उठाए। स्पीकर सर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। हुक्म। नियम 302 के तहत में जब भी हाउस बुलाया जाता है चुनाव के बाद, जो कॉन्स्टिट्यूशन 176 में लिखा हुआ है कि आम चुनाव के बाद सबसे पहला सत्र को राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू होगा, 24 घंटे के अंदर अंदर आपने नोटिस देकर के ये बुलवा लिया, ये क्या बात है? ये कोई भजन मंडली तो है नहीं कि साहब मेरे घर पे आज कोई भजन हो रहा है और मैंने आपको बुला लिया, तो आ जाइए आज शाम को भजन है। विधायकों के शपथ ग्रहण तो प्रोटेम स्पीकर कालीचरण सराफ ने करवा दिया, लेकिन अब विधानसभा को वासुदेव देवनानी के रूप में नया स्पीकर मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, राजस्थान। तो विधानसभा में आज विधायक की शपथ लेने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद उन्होंने अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद विद्याधर नगर में पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत को भी नमन किया। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सीएम ने अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी और उसके बाद भैरव सिंह शेखावत को भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नमन किया। उस दौरान बड़ी संख्या में वहां पर उनके साथ बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता भी मौजूद रहे। विधानसभा में शपथ ग्रहण के दौरान बीजेपी के वरिष्ठ नेता मदन दिलावर ने राम जन्मभूमि की जय जयकार की। न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि ऐसा करने के पीछे उनका भाव बेहद पवित्र था, क्योंकि जल्द ही राम मंदिर तैयार होने वाला है। सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। श्री राम जन्मभूमि नमः। मैं मदन दिलावर, जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। श्री राम जन्मभूमि नमः। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं। बीजेपी के वरिष्ठ विधायक मदन दिलावर ने शपथ के दौरान राम जन्मभूमि की जय बोली, ये जो जयकारा आपने किया, तो इसके पीछे का भाव क्या था? भाव तो पवित्र है, क्योंकि बहुत शीघ्र ही श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम भव्य मंदिर में विराजने वाले हैं। मैं तो बधाई देना चाहता हूँ माननीय न्यायालय को और माननीय नरेंद्र जी मोदी को कि उन्होंने भगवान राम का मंदिर बनाकर लगभग कंप्लीट कर दिया है, क्योंकि मेरी सन 1990 से मेरा एक संकल्प था कि जब तक भगवान राम का मंदिर, भव्य मंदिर बनकर तैयार नहीं हो जाता और भगवान राम उसमें नहीं विराज जाते, जब तक मैं माला नहीं पहनूंगा। आज भी मेरा संकल्प जारी है और 22 जनवरी को मेरा संकल्प पूरी तरह से पूरा हो जाएगा। तो 22 जनवरी को मदन दिलावर, राम भक्त मदन दिलावर अयोध्या में रहेंगे उस दिन? अभी तक तो वहाँ रहने का विचार है। मंत्रिमंडल का गठन अब होना है, तो भगवान राम की कृपा बरसेगी, मदन दिलावर को उम्मीद है कि वो कैबिनेट मंत्री एक बार फिर बनेंगे? भगवान राम की तो बहुत कृपा है मेरे ऊपर और इसीलिए उन्होंने मुझे विधायक बना दिया है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18, जयपुर। और कर लेते हैं इस बीच मिल रही एक और बड़ी खबर का। जयपुर से बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पूर्व सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात हुई। अशोक गहलोत से मुलाकात करने भजनलाल शर्मा सिविल लाइंस पहुंचे, जहां पर उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की। एक खास तस्वीर
सबसे पहले आप न्यूज 18 राजस्थान पर देख पा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ मुलाकात करते हुए नजर आए। ये तस्वीर इस वक्त सबसे पहले आप न्यूज 18 राजस्थान पर देख पा रहे हैं, जहां पर मौजूदा सीएम भजनलाल शर्मा निवर्तमान पूर्व सीएम अशोक गहलोत से मिलते हुए नजर आए। सिविल लाइंस पर यह मुलाकात हुई, खुद भजनलाल शर्मा सिविल लाइंस पहुंचे, जहां पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत मौजूद रहे और इन दोनों की मुलाकात हुई। अब मुलाकात में बातचीत क्या हुई, चर्चा क्या हुई, ये फिलहाल किसी को नहीं पता। तो कुछ ही समय में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली के लिए रवाना होंगे, लेकिन उससे पहले वो खुद मुख्यमंत्री जो पूर्व के रहे अशोक गहलोत उनसे मिलने के लिए पहुंचे, और उस दौरान की ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर सिविल लाइंस जाकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात की। और भारतीय आदिवासी पार्टी के विधायक उमेश डामोर ने शपथ के दौरान जय भील प्रदेश का नारा बुलंद किया, साथ ही जय जौहर का भी नारा लगाया। हमारे संवाददाता बाबूलाल धाल ने उनसे खास बातचीत की और जाना आखिर ऐसा नारा उन्होंने लगाया क्यों, आप भी सुनिए। भारतीय आदिवासी पार्टी के विधायक उमेश डामोर हमारे साथ मौजूद है। आपने जब शपथ ली तो लास्ट में आपने कहा जय भील प्रदेश, इसका मतलब क्या है? बिल्कुल, भील प्रदेश की हम मांग कर रहे हैं। चार राज्य जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात और राजस्थान, हमारे चारों राज्यों के अंदर आदिवासियों की संख्या ज़्यादा है, भील की संख्या ज़्यादा, चारों राज्यों को काट के हमारे भील प्रदेश की मांग कर रहे हैं, इसलिए भील प्रदेश बोला। ये जय जोहार भी आपने नारा बोला, इसका मतलब क्या है कि भील प्रदेश के लिए आप संघर्ष करते रहेंगे? जय जोहार तो हमारा अभिवादन शब्द है, हमारे बाप दादा डोकरे जब दिवाली होती है, दूसरे दिन जब नया साल स्टार्ट होता है, नया वर्ष कहते हैं, तो जोहारा कहते हो, तो वही दिन है, हमारे पुराने बाप दादा बोल रहे थे, हम लोग भूल गए थे, आज हम लोग भी वापस बोल रहे हैं, वो हमारा अभिवादन शब्द है जोहार, साल में एक बार बोलते थे, अब रोज बोल रहे हैं। ये बीजेपी से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन आप लोग 3 सीट जीत पाए सिर्फ? बिल्कुल, हमारे 4 सीटें सेकंड पोजीशन पर ही है, और मैं कह रहा हूँ इस बार हम 3 सीटें लेके आए, तो 2028 के अंदर हम 13 सीटें लेके आएंगे। क्या लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस से आपका गठबंधन हो सकता है? नहीं, हम अभी कोई किसी प्रकार से गठबंधन हम नहीं कह सकते, हमारी भी कुछ शर्त रहेगी, जो हमारा हाईकमान पार्टी भी है, तो इसके नियमों अनुसार चलेंगे, और हम लोकसभा हमारी 2 सीटें रिजर्व है, बांसवाड़ा और उदयपुर, तो दोनों सीटों पे चुनाव लड़ेंगे हम। कांग्रेस आपको गठबंधन का ऑफर करती है तो? ये बात की बात है, अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, ये हमारा पार्टी का जो सिस्टम है, हाईकमान है, इसके आधार पे हम चलेंगे। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। तो विधानसभा में अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी की तरफ से वासुदेव देवनानी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया, उनका निर्विरोध निर्वाचन तय माना जा रहा है, क्योंकि विपक्ष ने कोई भी उम्मीदवार उनके खिलाफ नहीं उतारा। साथ ही अशोक गहलोत के प्रस्ताव का गोविंद सिंह डोटासरा ने समर्थन भी कर दिया है। तो अब तय माना जा रहा है कि वासुदेव देवनानी ही विधानसभा के स्पीकर बनेंगे, क्योंकि कांग्रेस ने इसे लेकर कोई भी उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। कांग्रेस ने अपना समर्थन वासुदेव देवनानी को दिया है, अशोक गहलोत ने भी समर्थन दिया, और इसके बाद डोटासरा ने भी अपना समर्थन दे दिया है। तो यानी कि अब तय माना जा रहा है कि वासुदेव देवनानी ही विधानसभा के स्पीकर बनेंगे। बातचीत करने के लिए मौजूद है जो कल विधानसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हो जाएंगे। सर, जिस तरह से जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई नॉमिनेशन जो है वो नहीं आने की उम्मीद है, तो इस तरह से माना जा सकता है निर्विरोध निर्वाचन रहेगा? उम्मीद यही है कि निर्वाचन सर्वसम्मति से होगा, और राजस्थान की विधानसभा की परंपराएं भी रही हैं कि एक सर्वसम्मति से चुनाव होता है, और नॉमिनेशन मैंने भी भरा है। किस तरह से सर कल, क्योंकि इस वक्त में हम उम्मीद करते हैं कि जो विधानसभा का सत्र है दोबारा कल शुरू हो जाएगा, तो उसके साथ साथ में आपकी जो प्राथमिकताएं हैं वो अब क्या रहने वाली हैं? एक बार निर्वाचन होना चाहिए, सबके साथ बैठ करके करेंगे, लेकिन ये 2 प्राथमिकताएं तो सामने हैं कि अधिक से सदन अधिक दिन चले और उसके अंदर सार्थक बहस हो और सबको समान रूप से पक्ष विपक्ष के साथ लेकर के
हम राजस्थान के विकास की चर्चा करें, जनता की समस्याओं के समाधान की चर्चा करें, ताकि जिससे और साथ में इसका गौरवमयी इतिहास बना रहे। विधानसभा के डिजिटलाइजेशन पर भी फोकस करेंगे सर, इस तरह की बात भी बिल्कुल डिजिटलाइजेशन का भी करेंगे, पेपरलेस भी करेंगे और अच्छी से अच्छी नई चीज़ें भी इसके अंदर नए नए आयाम स्थापित करेंगे। विधानसभा में नए आयाम स्थापित होंगे, बात कर रहे थे हमारे से वासुदेव देवनानी, जिन्होंने आज नामांकन भर दिया है विधानसभा अध्यक्ष का और कल उनका निर्वाचन है। यहाँ पर जिस तरह की संभावनाएं और उम्मीद है वो ये की जा रही है कि जिस तरह से देवनानी का जो निर्वाचन है वो निर्विरोध हो सकता है और बतौर विधानसभा अध्यक्ष वे कल यहाँ चुने जा सकते हैं। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ महेश दाधिक, न्यूज 18 जयपुर। खबर जैसलमेर से है जहां पर दो युवक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दोनों युवकों में सर्दी खांसी के लक्षण मिले थे, जांच करने पर रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। टूरिस्ट सीजन के बीच कोरोना पॉजिटिव मिलने पर चिकित्सा विभाग अलर्ट हो गया है। सीएमएचओ डॉक्टर बीएल बुनकर ने इसे लेकर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कोरोना पॉजिटिव युवकों की ट्रैवल हिस्ट्री खंगाली जा रही है और पॉजिटिव युवकों और उनके परिवार को घर में ही रहने की सलाह दी गई है, यानी कि दोनों युवकों को क्वारंटीन कर दिया गया है। तो अब कोरोना के मामले फिर से सामने आने लग गए हैं जो डराने वाले हैं। इसे लेकर केंद्र सरकार भी लगातार अलर्ट है, राज्यों को इसे लेकर दिशा निर्देश भी जारी किए गए। और इस बीच जैसलमेर से ये खराब खबर सामने आ रही है कि यहाँ पर दो युवक कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, यानी कि कोरोना के मामले अब बढ़ सकते हैं। और इसे लेकर जैसे ही सूचना स्वास्थ्य विभाग को मिली, विभाग में हड़कंप मच गया। तुरंत दोनों युवकों के सैंपल लिए गए और इसके बाद इन दोनों को क्वारंटीन भी कर दिया गया है। अब लगातार इस पूरे मामले पर जांच भी जारी है, उनके रिपोर्ट्स भी सामने आने तक उसके बाद ही पता चलेगा कि आखिर ये कौन सा वेरिएंट है। सुनाते हैं क्या कुछ बोल रहे हैं अधिकारी। समय के बाद में जैसलमेर जिले में आज सुबह ही समाचार मिला कि वही जो पॉजिटिव दो केस आए हैं, तत्काल जो केस आए थे वो जैसलमेर शहर के थे, दो अलग अलग क्षेत्र के थे, एक बबर मकरा का था और एक जो है मजदूर पाड़ा, वहाँ के दोनों थे। दोनों केसेज के घर पे टीम चली गई, वहाँ जाके तो उनको होम आइसोलेटेड कर दिया गया है। वहाँ पे जो केसेज है उनके जो कॉन्टेक्ट में है उनकी सैंपल्स ले लिए गए हैं और उनकी जाँच करवाई जा रही है। और खैरथल जिले के